आई थिंक गाइज फ्रेमिंग फाइन होगी। और सो गाइज मैंने जैसे बात किया कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपका पैशन कुछ और है, ठीक है, तो 3 P हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके अंदर वो 3 P हैं या आपके अंदर नहीं भी हैं तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जॉनर के अंदर, स्पेशली हम फोटोग्राफी की बात करेंगे, फोटोग्राफी के अंदर भी अगर आपको सक्सेस होना है तो। तो सबसे पहला जो पी है वो है पैशन। सो गाइस, अगर आपका पैशन नहीं है फोटोग्राफी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि आपने किसी और को देख के ये अडॉप्ट किया कि यार वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपका रियली में पैशन है फोटोग्राफी के अंदर कि हाँ यार ये जो चीज़ है ये मैं, मतलब ये मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके, जब हम किसी भी चीज़ को लेके पैशनेट होते हैं तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं कि यार अब ये करना चाहिए, अब ये करते हैं या ये ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं। तो पैशन जो है, यानी कि 3 P में से जो पहला पी है वो है पैशन। अगर आपको फोटोग्राफी को लेके पैशन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, ठीक है। तो पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फोटोग्राफी करियर में आए हो, अगर आपने फोटोग्राफी चूज़ किया है तो। ये चीज़ जो है कि ऐसा नहीं कि हम दूसरों को देख के कॉपी करें, ऐसा नहीं, कि अगर आप पैशनेट हैं तो ही इस जॉनर के अंदर एंटर कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लोग मेरे से पूछते हैं कि यार टू बी ऑनेस्ट कि भाई सचिन भाई इतने कम टाइम में तुम्हारा ग्रोथ का रीज़न क्या है, तो ग्रोथ का रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने वर्क को लेके, अपनी फोटोग्राफी को लेके। मतलब मैं हमेशा सोचता रहता हूँ यार इसमें और क्या नया किया जा सकता है, और मैं क्या अलग निकाल सकता हूँ, और क्या डेवलप कर सकता हूँ। सो बेसिकली पैशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पी, यानी कि पैशन, अगर पहले हमारी लेवल है, ठीक है, पैशन। अगर आपके अंदर फोटोग्राफी को लेके पैशन है, सारे इसी से डॉट से एक दूसरे से जो पी है वो कनेक्टेड है। सेकेंड पी है आपका प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे फोटोग्राफी का। होता नहीं है कि यार कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम 24 घंटे भी करते रहें, 48 घंटे भी करते रहें तो भी हम थकते नहीं हैं। वही आई थिंक मैंने जो डिजर्व, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि यार मेरे, मैं ना पैशनेट कबूतर आ गए, सॉरी दो कबूतर आ गए थे। सो बेसिकली अगर आप पैशनेट हो अपने काम को लेके, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको बार बार उसी में खोए रहोगे कि यार हाँ अब ये कर लेते हैं। आप 24 घंटे कैमरा अपने साथ लेके घूमोगे, आप फोटोग्राफी बुक्स पढ़ोगे, तो आप जो मतलब उस चीज़ की फिर प्रैक्टिस करोगे आप बहुत ज़्यादा, अगर आप पैशनेट हो। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप बोर हो जाओगे, एक दिन करोगे, अगर आपने किसी और को देख के ये अडॉप्ट किया तो आप एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, फिर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो जो दूसरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट हो तो आप प्रैक्टिस तो ज़रूर करो, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो काम है वो, इसके अलावा और कोई चीज़ ही नहीं है यार, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जाओगे। तो जो हमारा सेकंड पी है वो है प्रैक्टिस। सो गाइस, होता क्या है कि बेसिकली जब भी कोई भी न्यू कमर फोटोग्राफी के अंदर एंटर करता है, वो पैशनेट है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है, 3 साल हो गया, सो होता क्या है कि यार वो लगता है कि यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट्स और आउटपुट उस तरीके के नहीं मिल रहे हैं। सो गाइस, वहाँ पे हमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोई भी फोटोग्राफर एक दिन में या फिर 1 साल में बहुत बड़ा नहीं बन गया, उसने अपने सालों दिए हैं। लाइक कितने आप रघु राय सर को देख लिए, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी फोटोग्राफ खींची है तब वो जाके इतने बड़े लेजेंड बने हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप अपनी जर्नी को, मैं बोलूँगा कि यार आपको कुछ मिलने वाला होगा और आप उसी, उससे पहले ही अपनी जर्नी को छोड़ दोगे और किसी और चीज़ पर स्विच कर लोगे। तो सबसे पहले, मतलब इन 3 P को मैं दोबारा एक बार रिपीट करूँगा कि अगर आप पैशनेट हो अपनी फोटोग्राफी को लेके, ठीक है, ना सिर्फ फोटोग्राफी, आप जो भी काम कर रहे हो, तो अगर हम, मैं मतलब फोटोग्राफर हूँ तो मैं फोटोग्राफी से कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले इन 3 P में आता है हमारा पैशन। अगर आप पैशनेट हो फोटोग्राफी के लिए तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे दिन रात, ठीक है। अगर आप दिन रात प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ बीच में कभी, तो उस जगह हमें चाहिए होता है पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं, हो सकता है कि आपको 1 साल रिजल्ट ना मिले, 2 साल मिले, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
और 5 साल के बाद ऐसा कमाल का रिजल्ट मिले कि आपको कि यार क्या बात है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे हमें पेशेंस रखना है, जितना ज़्यादा आप में पेशेंस होगा उतने आप कामली अपने काम को कर पाओगे जिस काम के लिए आप पैशनेट हो। सो गाइज हमेशा पेशेंस जो है वो मेंटेन रहना है, हमेशा अपने आप को बोलते रहना है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। तो पेशेंस आप जितना ज़्यादा रखोगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लगता है कि यार हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट हमें कुछ मिल नहीं रहा है। मेरे साथ भी होता है क्योंकि इस एज में होता है यार, टीनेज एज में, कि आप जब इस तरीके की आप फोटोग्राफी में एंटर करते हो, इतने टाइम तक मेहनत करते हो, उसके बाद भी कुछ आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हमें पेशेंस जो है वो मेंटेन रखना है। सो गाइज़ ये था, मेरे को लगा कि यार एक मैं बोलूँगा इसे सक्सेस मंत्र ऑफ फोटोग्राफी, जो हम अगर अप्लाई कर लेंगे, जो मैं अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम बहुत बड़े लेवल पे या फिर इन फ्यूचर में हम बहुत कमाल की चीज़ है जो है वो कमाल कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, व्हाटएवर रीज़न, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसे लगी, और ये नया जो स्टाइल में मैंने अभी वीडियो बनाई है, ये बताएं मुझे ये किस तरीके से आपको लगी है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस सक्सेस मंत्र को, जो भी टीनेज है या फिर जो भी फोटोग्राफी के अंदर है यार। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो आप देख रहे होंगे, वहाँ पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ अपनी फोटोग्राफ। अभी नहीं कर पाऊँगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया, इसमें आई थिंक मे बी मॉइस्चर जम गया, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता इस फ़ोन का अब, या फिर मुझे नया ही परचेज़ करना पड़ेगा, तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।